वालेकुम माई YouTube फैमिली, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और वेलकम टू माई अनदर वीडियो। और आज की जो मेरी वीडियो है वो 5 मिनट मेकअप रूटीन के ऊपर है। और ये मेकअप रूटीन बहुत इजी और क्विक सी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और सबसे पहले ये बात बताती चलूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं वीडियो के। हेयर्स को कवर कर लूँगी ताकि ये मेरे मुँह पर ना आए और मुझे मेकअप करते हुए डिस्टर्ब मत करें। मैंने प्यारा सा क्यूट सा कैट वाला हेयर बैंड लगा लिया। और सबसे पहली बात कि अपने फेस पर मेकअप करने से पहले अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ कर ले ताकि मेकअप अच्छे से स्टे हो जाए और अच्छा सा फ्रेश लुक आए। अगर आप इसी तरह फौरन मेकअप अप्लाई करेंगे तो आपकी बेस बिल्कुल फटी करते हैं। मॉइस्चराइज स्किन को मैंने वैसलीन का लोशन ले लिया। और आईब्रो के लिए जो मैं पहले यूज़ कर रही हूँ वो है हुदा ब्यूटी का, और इसमें से मैं ब्लैक शेड लूँगी और अपने आईब्रोज को बनाऊँगी। आप देख सकते हैं मैंने अपने आईब्रोज को प्रॉपरली शेप में बना लिया है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं यूज़ करने लगी हूँ फिट मी की फाउंडेशन शेड नंबर 100 मैट पोरलेस। चलिए जी, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी अपनी हाथ पे निकाल लूँगी और अब मैं पूरे फेस पे इसको डॉट्स की तरह अप्लाई करूँगी। फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया है और जो थोड़ी सी अभी रहती है अप्लाई नहीं हुई सही से वो मैं करूँगी फिंगर्स की हेल्प से। अब मैं यूज़ करूँगी मिस रॉस का कंसीलर अपने इन डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए। अप्लाई करती हूँ और ट्रस्ट मी ये फिंगर से आपके डार्क सर्कल्स को बहुत अच्छी तरह से कवर करता है। अप्लाई करूँगी अपने मुंह पे फेस पाउडर। फेस पाउडर अप्लाई कर लिया है और मैंने बिल्कुल लाइट सी फाउंडेशन लगाई है और बिल्कुल लाइट सा फेस पाउडर अप्लाई किया कि ताकि मेरी फेस की जो लुक है वो इतनी हैवी हैवी ना लगे, बिल्कुल नेचुरल से लुक आए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। चले जी, अब हम अप्लाई करते हैं मस्कारा। मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया और मस्कारा अप्लाई करने से आपकी आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं और खूबसूरत किस्म की लगती हैं। करती हैं टिंट और मैं ये वाला टिंट यूज़ करती हूँ और लिप्स के लिए भी और चीक्स के लिए भी। और दूसरी बात, मैं आपको टिंट यूज़ करने का एक हैक भी बताऊँगी। मैं जब हमेशा टिंट यूज़ करती हूँ मैं इस तरह टिशू को रोल कर लेती हूँ और इसके ऊपर इसके दो ड्रॉप्स लगा के फिर मैं चीक्स पे अप्लाई करती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने टिंट को टिश्यू की हेल्प से अप्लाई किया है। और जब भी आप अगर आप टिश्यू से अप्लाई करना है ना तो आपने टिश्यू को यूं नहीं रगड़ना अपने फेस के ऊपर, आपने इसको बिल्कुल स्लो स्लो ऐसे करके टैप करना है ताकि आपकी ना फाउंडेशन रब हो ना कुछ हो। आप टिश्यू की हेल्प से लगाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपका ये टिंट अप्लाई करूँगी अपने लिप्स पे।
यही वाला टेंट अप्लाई किया है, टेंट की सबसे बड़ी बात ये है कि आपके लुक को बहुत नेचुरल रखता है, और दूसरी बात ये है कि काफ़ी टाइम तक ये आपकी चीक्स के ऊपर और लिप्स के ऊपर स्टे करता है। अगर हम ब्लश ऑन लगाएं या कोई से भी लिपस्टिक लगा लें तो वो ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं करती, और क्योंकि ब्लश ऑन उड़ जाता है और लिपस्टिक भी हम लोग यूं यूं करके खा जाते हैं। टिंट में आप बेशक यूं यूं भी करें तो आपका टिंट उतरता नहीं है। अप्लाई करते हैं हाईलाइटर, और हाईलाइटर जो मैं अप्लाई कर रही हूँ ये मैंने $1 डील से लिया है, और गेटिंग न्यूड हाईलाइटर 7 कूल प्रोफेशनल मेकअप। और चले जी, अब मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने अपनी इजी और सिंपल सी मेकअप लुक क्रिएट कर लिया, और मैंने आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप ये लुक शेयर की है, और आप लोग ये इजीली 5 मिनट डेली मेकअप रूटीन अपनी क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों ने जैसे ऑफिस जाना हो या यूनिवर्सिटी गोइंग हो तो ये इजीली नेचुरल सी लुक लगती है। आप लोग ज़रूर ये वाली ट्राई करिएगा, और स्ट्रेस नहीं, मुझे तो अपनी ये लुक देख के मैं तो खुद से अपनी फ़ैन हो गई हूँ कि यार कसम से मैं खुद इतनी खूबसूरत लग रही हूँ इतनी सी नेचुरल लुक में। और इसी के साथ आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा, और ये लुक आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।